सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके डार्क पिगमेंटेड और चैट लिप्स के पीछे क्या होता है? मतलब 30-40% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी कंट्रोल्ड अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, एंड रिमेनिंग 60% विल बी कंट्रोल्ड बाय दी होम रेमेडीज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डार्क चैप्ड एंड पिगमेंटेड लिप्स। सो बेसिकली हाउ टू गेट पिंक लिप्स नेचुरली इज वट वी आर गोइंग टू डिस्कस आज की वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं डार्क पिगमेंटेड और चैप्ड लिप्स के रीजंस क्या होते हैं। ये एक तरह का लाइफ स्टाइल चेंज है, तो ये भी अगर आप रेमेडी के साथ साथ फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। नंबर वन, डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में इनफ वाटर नहीं है, मतलब आप पानी इतना पीते ही नहीं हो, आप इधर उधर जाते हो, आपके कोई फील्ड वर्क है और ये सब है जिसकी वजह से आप पानी नहीं ले पाते, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज कीप योर वाटर बॉटल हैंडी। 6-8 glasses ऑफ वाटर अ डे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, अगर आप स्मोक करते हो तो भी होता है। थर्ड, अगर आप गरम गरम चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हो तो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाय कॉफ़ी लोगे ही नहीं, बट क्या होता है कि आप बहुत ही गर्म फॉर्म में लेते हो। जब भी आप एक्सेसिवली गर्म चीज़ लगाओगे तो आपकी स्किन, वैसे भी आपके जो लिप्स की जो स्किन होती है दैट्स वेरी थिन, तो वो जल जाती है उससे। तो आप कोशिश करोगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी या चाय की जगह थोड़ा नॉर्मल अगर पीने की कोशिश कर सकते हो, सो दैट्स वन। थर्ड हो सकता है सलाइवा। कई बार बहुत ज़्यादा लिप लिकिंग की आदत होती है, एवरी थर्ड पर्सन कैन हैव दिस प्रॉब्लम, तो वो थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन येस, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स, क्योंकि हम सोचते हैं हम अपने लिप्स को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट टू वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक वन, तो हम ये सोचते हैं। और जब हम लिप लिकिंग करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा स्किन होती है हमारे लिप्स की, वो ड्राई आउट हो जाती है और चैप्ड हो जाती है, तो वो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज सन डैमेज। तो सन डैमेज, अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आपके इस तरह के इन्वायरमेंट में हो या इस तरह के प्रोफाइल में हो जहाँ पे आपकी मार्केटिंग जॉब है या सेल्स जॉब है, उस केस में यू हैव टू स्टे आउट, आपका प्रोफेशन ऐसा है। बट ऑलवेज ऑलवेज आप जब भी SPF अपनी स्किन पे लगाते हो ना, तो अपने लिप्स पे भी लगाओ और उसके बाद आपकी जो भी लिपस्टिक है वो अप्लाई करो। सो ये आप कर सकते हो। रीज़न कुड भी अगर आप लिपस्टिक बहुत लंबे टाइम तक अप्लाई करते हो। आई अंडरस्टैंड दैट इज़ द नेसेसिटी ऑल्सो, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो होना पड़ता है, तो इस वजह से दैट्स नेसेसिटी एंड दैट्स अबाउट चॉइसेस ऑल्सो। किसी को लिपस्टिक लगाना पसंद होता है एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दो, मुझे लिपस्टिक लगाना पसंद है। लिपस्टिक्स अप्लाई करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट लिपस्टिक्स को टाइम से ना रिमूव करना दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको लिपस्टिक जितने भी टाइम तक चाहिए, मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हो 9 घंटे के लिए जा रहे हो, या फिर आपको किसी शादी में जाना है, या फिर आपको किसी इवेंट में जाना है जो कि 2-3 hours तक चलेगा, तो उस केस में जब आपका काम हो गया, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, घर पे आने के बाद अपने लिपस्टिक हटा दो। और कभी भी ओवरनाइट तो लिपस्टिक लगा के सो मत, क्योंकि उससे भी आपको पिगमेंटेड लिप्स की प्रॉब्लम होती है। यू कैन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये सब पिगमेंटेड लिप्स की प्रॉब्लम ना हो। लेट्स मूव ऑन टू दी होम रेमेडी। होम रेमेडी के लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज स्क्रबिंग। स्क्रबिंग यहाँ पे इसलिए हेल्प करेगी क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे चैप्ड लिप्स हैं तो हमारी जो भी पतली पतली सी डेड स्किन का अक्यूमुलेशन हो चुका है हमारे लिप्स में, तो उस वजह से वो चैप्ड लिप्स दिखते हैं। वो जो पतली पतली सी आपको लेयर से दिखती है ना, वाइट वाइट सी फ्लेक्स, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द डेड स्किन का अक्यूमुलेशन आपके लिप्स पे। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है। सो स्क्रबिंग का पार्ट यहाँ पे है। सो स्क्रबिंग के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1/2 teaspoon ऑफ राइस फ्लावर, ये है हमारा प्रॉपर एक्सफोलिएटर यहाँ पे। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए दैट इज 1/4 teaspoon ऑफ ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप इसकी जगह हनी भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज 1/2 teaspoon ऑफ रोज़ वाटर। ठीक है, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें कुछ ऐसी सी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। सो स्क्रबिंग के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले अपने लिप्स को बिल्कुल क्लीन कर लो, उसमें कोई भी लिपस्टिक या कोई भी लिप बाम कुछ भी अप्लाइड ना हो। हम क्लीन लिप्स में हम स्क्रबिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम इसे हल्के हल्के हाथ से रब करेंगे, अपने फिंगर से सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे हम मसाज करेंगे। उसके बाद हम उसे रिमूव कर देंगे, या तो आप कोई भी टॉवल ले सकते हो, उसको हल्का सा वेट करो और उसके बाद रिमूव कर दो। स्टेप नंबर 2 इज लिप मास्क। लिप मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज कर्ड। यहाँ पे कोशिश करना कि कर्ड जो मार्केट वाली होती है वो ले लो, और अगर आपके पास मार्केट वाली नहीं है घर की है तो आप उसे जो भी उसका लिक्विड है वो स्ट्रेन कर लो किसी भी कॉटन के कपड़े से, और जो मोटा मोटा जो पार्ट है वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 1/2 teaspoon ऑफ कर्ड, जिसमें हम ऐड करेंगे 4 drops ऑफ हनी। हनी वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके स्किन में कोई भी इशू है तो उसके लिए हनी आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 4 drops ऑफ हनी, और इसमें हम ऐड करेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट, विच इज़ अ पिंच ऑफ
टर्मरिक। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक ऐसा क्रीमी सा टेक्सचर हमें मिल जाएगा। अब ये वाली जो हमारी क्रीम है हम उसे अप्लाई करेंगे एज अ लिप मास्क। मोटा मोटा हम इसे अप्लाई करेंगे, ऐसे कि जैसे आपने इसकी डबल सी लेयर लगा दी पूरी, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप इसे वेट करोगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, जिससे कि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि कर्ड में जो लैक्टिक एसिड होता है वो किसी भी तरह की पिगमेंटेशन, टैनिंग जो भी हो रखी होती है उसको रिमूव करता है। सो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, और हनी हील करता है स्किन को, वहाँ पे वो हेल्प कर रहा है, और टर्मरिक भी बहुत अच्छा है अगर आपको ये सारी टैनिंग या पिगमेंटेशन का इशू है तो। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3 विच इज लिप बाम। लिप बाम के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट सबके घर में होगा एंड दैट इज घी, देसी घी। आपका घर का बना हुआ घी है वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मार्केट वाला घी है आप वो भी यूज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे लिया है 1 teaspoon ऑफ घी, और इसमें मैं ऐड करूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज बीट रूट। बीट रूट को आप किस फॉर्म में ऐड करोगे? सबसे पहले आप हाफ बीट रूट ले लोगे, कोई भी नॉर्मल साइज का, जो स्टैंडर्ड साइज का हमारा बीट रूट होता है, हम उसे हाफ कट करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उसका जो भी जूस होगा हम वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमें जूस मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 teaspoon, इतना जूस हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो 1 teaspoon ऑफ घी है उसमें हम 1 teaspoon ऑफ जूस डाल रहे हैं, बीटरूट जूस। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स आपको थोड़ा देर तक करना पड़ेगा, क्योंकि घी पहले से आपका जो फ्रिज से आपने निकाला है तो बहुत जमा हुआ फॉर्म में है। तो आप इसे बहुत देर तक ऐसे ऐसे मिक्स करते रहोगे ना, तो वो टेम्परेचर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने की वजह से मेल्ट हो जाएगा, तो एक प्रॉपर ऐसा लिक्विड मिल जाएगा आपको, एक यूनिफॉर्म सा कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद आप इसे स्टोर कैसे रखोगे? लिप बाम को यूज करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसे फ्रिज में रखो। जब आप इसे फ्रिज में रखोगे ना तो ये फिर से अपनी वही वाली फॉर्म ले लेगा, क्योंकि पहले ये बहुत ज्यादा लिक्विड हो गया था क्योंकि आपने बाहर निकाला, और अब जब आप इसे फ्रिज में डालोगे फिर से जम जाएगा। मैं ना इसे फ्रिज, कुछ लोग शायद फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर में नहीं रखना, नॉर्मल फ्रिज में रखना है आपको, फ्रीजर में नहीं, ठीक है। तो फ्रिज में जब आप रखोगे तो आपका फिर से वो जो घी था ना वो जम जाएगा और आपको ऐसी कंसिस्टेंसी मिलेगी, मतलब लिटरली मार्केट वाला कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। लेकिन आप इसे रूम टेम्परेचर में नहीं रख सकते, आपके पास देसी घी नहीं है, और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल अप्लाइंग देसी घी, कुछ लोगों को लगता है कि देसी घी से एक अलग सी स्मेल आती है किसी किसी को, और या फिर देसी घी में एक छोटे छोटे से ना गोले गोले से बन जाते हैं, होता है, उसकी कंसिस्टेंसी वैसी रहती है। तो अगर आपको और भी स्मूथ और अमेजिंग और बटरी, मैंने इंग्रेडिएंट का नाम बोल दिया, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए बटरी सी, तो आपको उसकी जगह बटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो सॉल्टेड बटर ना हो, वो अनसॉल्टेड बटर ही होना चाहिए। तो जहाँ पे मैंने 1 teaspoon ऑफ घी डाला था आप उसकी जगह 1 teaspoon ऑफ बटर यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत क्रीमी सी, सॉफ्ट सी, बटरी सी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी उसमें। बट अगेन वो भी आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, और उसकी वैलिडिटी भी 15 डेज की होगी, ठीक है। ऐसे इसे अच्छे से लगाओ, यहाँ पे मेरे नाखून की शेप दिख रही है, सो आप इसे अच्छे से निकालो और अपने लिप्स पे पूरा का पूरा स्प्रेड करो, और हल्के हल्के मसाज भी करो। अब बात करते हैं कि इनकी शेल्फ लाइफ क्या है, और इसे आप कब तक अप्लाई करेंगे, कितने टाइम तक। आपका जो स्क्रब है और जो आपका लिप मास्क है वो दोनों आपको फ्रेश ही बनाना है हमेशा। आपका जो लिप बाम है वो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, और जो आपका लिप बाम है उसकी शेल्फ लाइफ है 15 डेज इनसाइड दी फ्रिज। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। आप जो सारे स्टेप्स थे वो डेली फॉलो करो कंटिन्यूसली फॉर 7 days, एक्सेप्ट फॉर दी स्क्रबिंग पार्ट, मतलब स्क्रब को छोड़ के बाकी दोनों स्टेप जो है वो आप डेली करो, और जो स्क्रब वाला पार्ट है वो वीक में आप 3 बार करो, तो अल्टरनेट डेज कर लो या ऐसा कुछ कर लो। लेकिन जब भी आप स्क्रबिंग करोगे ना आप बिल्कुल घिसना मत अपने लिप्स पे, आराम से हल्के हल्के हाथ से मसाज करना। जो लिप बाम है वो आप दिन में 3 बार 4 बार कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो, आप बाहर जाते हो तब भी आप अप्लाई करके उसे जा सकते हो, और ओवरनाइट उसे ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि रात भर जिससे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से हील होगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है। इफ़ द आंसर इज यस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना गाइस, जिससे कि आने वाला कोई भी फ्यूचर अपलोड आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय।